बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटो है वो उन बेरोजगारों के लिए है जो इस समय कोविड के समय काफ़ी घर में अपनी आर्थिक तंगी से, अपनी आर्थिक चीज़ों से परेशान हैं और अपनी नौकरियां भी उनकी छोड़ चुकी हैं। और ऐसे नॉलेजेबल बच्चे भी हैं जो पहले दिल्ली मुंबई में काम करते थे, लेकिन अभी वहाँ से कोविड के कारण वो अपने अपने गाँव में लौट चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण आप बहुत से काम किए जा सकते हैं, बहुत से वर्क कर सकते हैं। फिर भी मैं छोटा सा एक इन तरीका बताता हूँ कि जिससे कि मैंने भी पहले इसमें चोट खाई और उसके बाद मैं इससे सीखा। मैंने चोट क्यों खाई? चोट इसलिए खाई क्योंकि मुझे इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं था और मैं खुद अपने पैसे को दूसरे को दिया कि यार मेरा भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और मुझे भी इसमें से कुछ मिलेगा। तो जब मैंने इसको दूसरों को दिया तो कुछ समय तक तो पैसा काफ़ी अच्छा आया, कुछ समय बाद वो पैसा डूब गया। क्यों डूबा? क्योंकि उनको भी शायद वो नॉलेज नहीं थी जो नॉलेज उसके बाद मैंने प्राप्त की। तो उसी नॉलेज को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी उसी नॉलेज के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट सीखिए, तो शायद आपका घर में बैठे भी आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो उस नॉलेज, उस टॉपिक पे आज बात करते हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पे बात करने के लिए लोगों की सबसे पहले माइंडसेट होता है कि ये गैम्बलिंग है, यहाँ पर पैसा गैम्बलिंग में जाता है। नहीं, ये गैम्बलिंग नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग वो चीज़ होती है जहाँ पर हम जुआ की तरह उसको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करें तो ये शायद गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग शब्द से शायद इसका रिलेटेड वो लोग करते हैं जो लोग इसको जानते नहीं हैं, और शायद पहले भी मेरी भी सोच यही होती थी कि ये गैम्बलिंग है, ऐसे झट से पैसा दुगुना होता है और उसको कमा के बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी मेरी सोच बदली जब मैंने इसका पूरा पैटर्न सीखा, जब मैंने इसको विदिन 5 ईयर्स में सीखा और समझा तो मेरी भी सोच बदली और मैंने इसको खुद करके देखा तो मेरी सोच आज पॉजिटिव है और धीरे धीरे आप लोग भी पॉजिटिव हो सकती है अगर आप इसको सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो, आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इसमें सीखना चाहते हैं और जो इसको समझना चाहते हैं। इसको सीखने और समझने के लिए छोटा छोटा हमें स्टेप वाइज हम आगे को बढ़ेंगे। स्टेप वाइज के पैटर्न में डालूंगा, स्टॉक वाइज की लेवल्स में डालूंगा और उन लेवल्स को हम समझेंगे, उनकी क्वेरीज को हम दूर करेंगे। तो जब हम वो क्वेरीज दूर करेंगे और जब हम उसमें फीडबैक लेंगे तो बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो के लिए ये हेल्पफुल होगा, जो घर में बैठे हुए हैं, जो इस मार्केट को समझना चाहते हैं, जो इन चीज़ों को में वर्क करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तीन चीज़ों से तरीके से मार्केट को समझा जाता है। एक होता है इंट्राडे, इंट्राडे, और एक होता है कि आप लॉन्ग टर्म डिलीवरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे मार्केट जो शुरू होती है वो सुबह 9 बजे से शुरू होती है, शाम के 3:30, सॉरी 3:30 तक चलती है। 3 बजे तक हमें अपना सौदा काटना होता है और उस सौदे से काट के हमें बाहर आना होता है। तो अभी मैं किसी को ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि हमें इंट्राडे मार्केट करना चाहिए। अभी इंट्राडे वो लोग करते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान ले चुके होते हैं, बहुत चीज़ों को समझ चुके होते हैं, वो इंट्राडे करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, हमें सिर्फ इसको समझना है। जैसे कि इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो अगर हम आज से पहले कोई एक ऐसा चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते जो सिर्फ उस चीज़ की धनराशि को डबल होता, तो वो एक ऐसा सौदा होता। जैसे कि हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो हमें कहा जाएगा, तो हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हम सोचेंगे कि हमें लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें क्योंकि वो कि धीरे धीरे कीमत बढ़ती जाएगी, लोगों की अत्यधिकता हो रही है तो लैंड की कमी पड़ेगी, हमारी चीज़ें डबल होगी। ठीक है, मैं भी मानता हूँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट उसमें बहुत सी
चीज़ें होती हैं कि हम उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके पास उतना पैसा हर किसी के पास होता नहीं है। अगर छोटा सा इन्वेस्टमेंट, अगर हम आपको कहें कि अगर हम 1 लाख रुपए माँ का मात्र गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते आज से 10 साल पहले, तो सोचिए वो पैसा आज कहाँ होता। 1 लाख रुपए का अगर हमने गोल्ड के कॉइन खरीदे होते और वो आज से 10 साल पहले 2010 में या शायद 2011 में आपने ये गोल्ड खरीदा होता, तो आज 2020-21 में उसकी कीमत क्या होती? आई थिंक डबल या ट्रिपल होती। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं उन मार्केट के उन तथ्यों पर जो हमें लगता है कि बेनिफिट्स हैं, बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो उन चीजों पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन चीजों को अपने दिमाग में रख के कि आने वाले समय पे किस तरह की मार्केट डेवलपमेंट हो सकती है और कहाँ उसके रिसोर्स जाके उस डबल हो सकते हैं, उन चीजों को अपने दिमाग में रख के अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मार्केट हमें पैसा देती है। जैसे कि हम बात करते हैं कोविड के समय पे मेडिसिन की, तो मेडिसिन पे अगर हम अच्छी मेडिसिन पे, सिप्ला की मेडिसिन पे अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता तो शायद आज पैसा आगे होता। हम बात करते हैं इंटरनेट पे, वाईफाई सिस्टम पे, टेक्नोलॉजी सिस्टम पे अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज हमारा पैसा आगे होता। हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम पर, कुछ बैंकों पे अगर हमने आज पैसा किया होता, इन्वेस्टमेंट किया होता, तो शायद हम आगे होते हैं। और इन सबको समझने के लिए आज मैं आपको, फिर इन चार्ट्स को समझने के लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने सिस्टम पर, और वहां पर धीरे धीरे मैं आपको इन सब चीजों को समझाऊंगा। और ये आज सिर्फ एक लेवल पे होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसको जानने के लिए अगर हम इच्छुक और लोग ही इस चीज इस वीडियो को देखें, और जो लोग इच्छुक ना हों और जिनके जिनको ऐसा लगता है कि ये हम दूसरों को शेयर करके उनको सिखा सकते हैं, उनके लिए वैल्यूबल हो सकता है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब। अपने सिस्टम में ले जाने से पहले मैं आप लोगों को एक वैधानिक चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरी बातों को सुनकर या मेरे मार्केट को एनालिसिस को देखकर इसमें कोई भी आप इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले अपने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस कर लें और अपने अपने इन्वेस्टर से पूछ लें ताकि इसमें सही पैसा इन्वेस्ट कर सकें। मेरा इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ एक जानकारी है, सिर्फ एक स्टॉक मार्केट को समझाने का प्रयास है, और इसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखिए कि वो पैसा आपका ही है, वो टोटल लॉस उसमें आपका ही होगा और टोटल प्रॉफिट भी आपका ही होगा। किसी भी पैसे को लगाने से पहले और उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ की जानकारी लेना बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो अब हमें अभी अभी हमने सबसे पहले दो चीज देखनी है। पहले इसको समझने से पहले हम पेंट में आते हैं। यहाँ पर हम दो चीज देखते हैं कि क्या किसी शेयर में दो चीजें हमने बड़ी देखनी पड़ती है अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट हम चाहेंगे कि कम से कम साल भर का हो, 6 महीने का हो, महीने भर का हो, या हम एक छोटी सी स्विंग ट्रेड करें कि कुछ महीने तक रखें, कुछ प्राइस लें, फिर उसके बाद उससे मार्केट से अप हो जाएं, और फिर कुछ प्राइस लें, फिर कुछ मार्केट से आउट हो जाएं और अपने प्रगति बनाते रहें। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है कि अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि इसमें दो ट्रेंड देखने पड़ते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, कोई भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। कंट्रोल जेड। तो हमने इसमें दो ट्रेंड देखने हैं कि ये अप ट्रेंड, ठीक है, और दूसरा ट्रेंड देखते हैं हम डाउन ट्रेंड, कि क्या इसमें मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है, कि इसको हम कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड है ना। तो हमने दो ट्रेंड देखने हैं कि एक तो अप ट्रेंड और एक मार्केट का डाउन ट्रेंड। अब कोई शेयर अप ट्रेंड जाने के लिए क्या करता है कि किसको हम अप ट्रेंड कहेंगे और किसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे, इसे हमें पहचानना पड़ता है। अप ट्रेंड में हम बाई करेंगे, डाउन ट्रेंड में उसी चीज को हम सेल करेंगे। तो अप ट्रेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज को अगर हमने देखना है कि हाँ ये अप ट्रेंड में है और इसको
अप ट्रेंड से देखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने मार्केट में शेयर में हमने जाना है। तो कोई शेयर अप ट्रेंड में जब जाता है तो इस तरह का बिहेवियर करता है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर और फिर नीचे फिर ऊपर। और डाउन ट्रेंड में अगर वो आता है तो वो इस तरीके का व्यवहार करता है। किस तरीके से, तो मान लिया ये उसका था, यहाँ से वो डाउन ट्रेंड में आया, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर देन फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ये उसका डाउन ट्रेंड रहता है। कोई भी फॉल एकदम सीधे ऊपर की ओर नहीं होगा ऐसे, और कोई भी फॉल एकदम सीधे नीचे की ओर नहीं होगा। तो शेयर जब ऊपर की ओर जाता है, और इस प्रकृति में जब वो ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या कर रहा है, वो एक हाई बना रहा है। जहां पर मान लिया सपोज दैट अगर हम इस पोजीशन में शेयर को खरीदते हैं, यहां पर से उसने एक हमने उस शेयर की कीमत यहां पर मान ली 100 रुपये है और हम उसको यहां पर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आएगा वो यहां पर 115 में आएगा या 110 में होगा उस जगह पे आएगा, और वहां पर अपना एक हाई बनाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लिखेंगे हायर हाई, ये एक हायर हाई है। अब इसी चीज को जब हम यहां पर देखेंगे तो ये बनाएगा उस हायर हाई का एक लो, यानी इसको हम कहेंगे हायर लो। यानी जब शेयर ऊपर की ओर चलता है तो वो दो चीज बना रहा है, एक हायर हाई और एक हायर लो। फिर वो ऊपर की ओर जाएगा तो उससे ऊपर इस हाई को तोड़ेगा, एक नया हाई बनाएगा, और इस लो को तोड़ेगा, वो सॉरी इस लो में आएगा, अपने पुराने लो को तोड़ेगा नहीं, ठीक है, अपने वो पुराने लो को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा, और वो ऊपर की ओर ही एक लो बना देगा, उसको फिर हम हायर लो हायर हाई। फिर एक ऊपर जाएगा फिर हायर हाई बनाएगा फिर हायर लो तैयार करेगा फिर हायर हाई बनाएगा फिर हायर लो तैयार करेगा। तो ये क्या हो रहे हैं, ये किसी शेयर की हमें ये बता रहा है कि ये शेयर अभी अप ट्रेंड में है। इसमें हम अगर यहाँ पर 100 रुपये में इसको बाई करते हैं और यहाँ आने तक उसकी कीमत हो जाती है 150, और 10,000 का अगर हमने यहां पर इन्वेस्ट किया और 10 शेयर हमने लिए, सॉरी सॉरी 100 रुपये का एक शेयर था और हमने 10,000 उसमें इन्वेस्ट किया और 100 शेयर थे, और यहां आने तक उसने 150 तक का रेंज बनाया, और उसके बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब इस शेयर से हट जाना है। तो इस शेयर से हटने के लिए वो जस्ट ये आएगा, एक लो बनाया और फिर उसी लो को तोड़ देगा। जब वो अपने इस लो को तोड़ता है, हाई को नहीं, जब वो अपने हाई को नहीं बल्कि अपने लो को तोड़ता है और वो यहां पर बनाता है लोअर लो, ये तो लोअर हाई, ये उसका पॉइंट बना, ये तो बना लोअर हाई और ये बना लोअर लो। और जब वो अपने इस चीज को तोड़कर अपना एक लो बनाता है तब हम कहेंगे कि हाँ शेयर अब डाउन ट्रेंड में है। तो हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, मान लिया 100 रुपये का एक शेयर था, हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 150 रुपये का वो शेयर हुआ, और मान लिया सपोज दैट ये प्राइस 140 के लगभग में आई और यहां पर हम एग्जिट होते हैं, तो हमारी तकरीबन हमने 40 रुपये का प्रॉफिट लिया। और 40 रुपये का प्रॉफिट अगर हम साल भर भी लग जाता, हमको वैसे साल भर लगेगा नहीं लेकिन अगर हमको साल भर भी लग जाता है इस प्रॉफिट की इस जर्नी में इस रैली में काम करने में, तो 4,000 रुपये का हमें फायदा
प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और 4,000 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट अगर 4 महीने या 4 दिन में आपको बैठे बैठाए हो जाता है तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अभी सिर्फ मात्र बात 100 रुपये की और मात्र बात 140 के लो की होगी, जबकि ये 2-3 साल भर में एक शेयर 200-300 रुपये ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से आजकल एक रैली चल रही है और जिस तरीके से आजकल एक कोविड के बाद मार्केट अप एंड डाउन चल रहा है, उस हिसाब से 200-250 रुपये साल भर में या 3 महीने में हो जाना शेयर का कोई बड़ी बात नहीं है। इसे अभी हम देखेंगे। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में ये यही काम यही करेगा। डाउन ट्रेंड में हमने उस शेयर को यहां पर बेस सेल कर देना पड़ेगा, यहां पर हम सेल करेंगे ताकि हमें सही, जब हम उसको सही जगह पर सेल करेंगे तभी हम उसमें पैसा कमाएंगे और यहां पर हम उस चीज को बाई करेंगे तब हम यहां पर एक पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, तो सेल करने के लिए क्या करेंगे, जब वो हमारे एक हाई से एक लो तोड़े, देखिए क्योंकि देखिए दोनों प्रकृति अलग है, ये लो यहां पर लोअर लो जो उसने बनाया उस लो को तोड़ के एक नया लो तैयार किया, इस लो को तोड़ के एक नया लो तैयार किया, इस लो को तोड़ के एक नया लो तैयार किया, शेयर ऊपर जरूर गया लेकिन फिर नीचे आकर एक नया लो तोड़ा। तो इस प्रकृति को हम कहते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो अभी हम चार्ट्स में देखेंगे कि कहां पर शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और कहां पर शेयर बाय ट्रेंड में चल रहा है। और इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले कुछ दिनों तक शेयर में छांटने पड़ेंगे कि कौन सा शेयर अच्छी कंपनी का है और किस शेयर में हमें अभी बाय ट्रेंड आया है और किस शेयर में अभी सेल ट्रेंड आया है। पेपर में लिखिए कि अगर आप यहां पर बाय ट्रेंड है और आप 100 रुपये के हिसाब से बाय करते और यहां से यहां तक जाते, ऐसे करके अगर आप सीखेंगे तो ये शेयर मार्केट को सीखना बहुत आसान है। अभी ये पहला लेवल जो हमने देखा है इसमें दो चीज हमने देखी है, एक तो शेयर को अप ट्रेंड पता करना, दूसरा शेयर का डाउन ट्रेंड पता करना। दोनों चीज बड़ी अलग है। मान लीजिए सपोज दैट अप ट्रेंड मतलब हमने सीढ़ी से ऊपर की ओर जाना, डाउन ट्रेंड मतलब हमने सीढ़ी से नीचे की ओर आना, और जब नीचे की ओर आएगा तो वो एक लोअर लो बनाते हुए जाएगा लोअर हाई के साथ, और जब ऊपर की हो जाएगा तो वो हायर हाई बनाएगा हायर लो के साथ। ठीक है, तो दोनों चीज कंपैरिजन इसको समझिए, देखिए बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि ये जो चीज समझ में आए। अब इस चीज को देखने के लिए हम चलते हैं अपने चार्ट में। चार्ट खोलने के लिए मैंने आपसे कहा था स्टॉक मार्केट में हम एक चार्ट को देखते हैं, सपोज देखते हैं ये चार्ट अभी खुला हुआ है, इसी को देख लेते हैं। ये चार्ट है भारत फोर्ज का, एक अच्छा शेयर है भारत फोर्ज। इसमें बाकी तो मेरे अलग से इंडिकेटर लगे हुए हैं, इस इंडिकेटर को नहीं देखते हैं, फिर भी हम इसकी एक प्रकृति को देखने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर हमें बताना क्या जा रहा है। देखिए ये बात चली इसके अप ट्रेंड की, यहाँ से ये शेयर अप ट्रेंड में आया। हमें सपोज दैट अगर हमारे पास 2014 में अगर हमने यहाँ पर इसको बाई किया होता, ये प्राइस थी 242 रुपये 95 पैसे की, और यहां से इसने डाउन ट्रेंड तो बनाया, कई बार नीचे आने की कोशिश की। देखिए यहां पर लोअर हाई बनाया, एक यहां पर लोअर हाई बनाया, लेकिन अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, तो ये अपने अप ट्रेंड में था। हमने उसके अप ट्रेंड को देखा और अप ट्रेंड को जब उसने अपने अप ट्रेंड को पूरा किया तो हमने तकरीबन 548 रुपये में इसको यहां पर 2015 में बेचा। सपोज दैट हमने ऐसा किया होता तो हमें 250 रुपये का प्रॉफिट यहां पर था एक शेयर में, और फिर जब वो सेल में आया, अपनी सेल की प्रकृति में आया, तो उसने देखिए अपना प्रीवियस लो को तोड़ते हुए नीचे गया, फिर प्रीवियस लो को तोड़ा, फिर नीचे आया, फिर उससे लो को तोड़ा, फिर नीचे आया। तो फिर उसने अगर हम यहां पर उसको सेल करते तो 548 का था और फिर यहां पर आने तक उसने फिर हमें 150-150 रुपये फिर दिए थे।
एंड दो एक दो सालों में, तो क्योंकि ये जो बात चल रही थी यहां से अगर हम शेयर को खरीदते तो ये 2014 की बात थी, और यहाँ शेयर को एक ही शेयर को अगर हम बेचते तो ये 2016 की बात थी। तो दो शेयर को दो बारी उसने ऊपर नीचे किया, तो आप मेरे ख्याल से अगर 10,000 भी इन्वेस्ट करके अगर इसी शेयर को ऐसे ऊपर नीचे करते तो शायद 7-8 हज़ार रुपये उन दो सालों में आपका इन्वेस्टमेंट में फायदा होता। खैर, अब जब से रैली यहाँ आके आई, फिर इसने एक रैली दी, फिर इसने अपने एक हाई को तोड़ा, इस हाई को, इस कैंडल के हाई को जब हम तोड़ता है तो हमने उसको यहाँ पर बाई पोजीशन में डाला। 415 को जब उसने तोड़ा तो फिर उसने फिर एक नया हाई बनाया, फिर उसने एक नया हाई बनाया, लो लो के अपने लो भी बनाते जा रहा है। देखिए इस लो को उसने को तोड़ने को दोबारा वापस नहीं आया, फिर उसने एक हायर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, हायर लो, हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बना दिया, फिर अपना एक लो दिया, लेकिन फिर भी प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। तो बनाते बनाते फिर वो एक ऐसी प्रगति में आया कि देखिए फिर वो कहाँ चले गया, 700 कुछ रुपए का उसने फिर हाई लगाया। और ये कब लिया था हमने, 2016 में, और फिर यहां बेच रहे हैं इसको 2018 के अंदर। फिर उसने एक इन्वेस्टमेंट का हाई बना के दिखा दिया हमको। अब फिर देखिए, फिर उसने अपने प्रीवियस जो लो था उस लो को जब वो तोड़ता है तो हमने यहां पर सेल प्रकृति लगाती थी। अगर हम सेल करते तो यहां पर हमने सेल किया होता तो वहां पर तक जाता, फिर उसके बाद सेल 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 और सेल नीचे तक ही सेल आया। देखिए फिर हल्की सी उसने कोशिश की ऊपर उठने की, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। फिर उसने एक प्रीवियसली लो बनाया और उस लो को करीब ये 2050 में 250 रुपये का यहाँ पर आया, और 250 का आया था मार्च 2020 में, और यहाँ पर फिर उसने एक फायदा दिया। अब अगर इसी मार्च में आप इसी शेयर में अगर पैसा लगाते तो होता क्या, देखिए मई 2020, नीचे डेट दिखाई जा रही है, 4 मई 2020 को इस हाई को 313 रुपए का अगर हमने ये शेयर लिया होता तो आज इसकी कीमत है 800 कुछ रुपए शो कर रहा है ये कीमत अपनी, 800 मेरे ख्याल से 808 रुपए इसकी कीमत है 303 रुपए का लेके। तो देखिए सारा 5-6 साल की ये रैली आज फिर इसने कवर करी है। तो यही तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमें शेयर लेने में और शेयर का काम, शेयर मार्केट में काम करने में नुकसान जरा सा भी नहीं होता है। ऐसे ही अगर हम टाइटन का शेयर देख लें, टाइटन का शेयर देखते हैं, देखिए टाइटन का शेयर मार्च 2020 से, चलिए बहुत बड़ा हो जाता है तो हम यहां से देखते हैं, यहां पर इसने एक हायर हाई बनाया, ये हाई बनाया था, इस हाई के ऊपर हमने इसको बाई करना चाहिए था, 1,059 रुपए का था। अगर हम इसको यहाँ पर बाई करते हैं तो ये यहाँ से आज इसकी कीमत है 1,700 रुपए, और 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर हम इसमें करते, हमारे पास मात्र 10 शेयर होते और आज 700 रुपए के हिसाब से हमारे उस इन्वेस्टमेंट की कीमत क्या होती, सपोज आप करते हैं तो आज 700 रुपए के हिसाब से अगर वो बड़े होते तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है? सपोज दैट, तो मेरे ख्याल से आपकी मनी लगभग लगभग आप उससे आधे से ज्यादा तो उसमें फायदा ले चुके होते हैं। तो यही एक तरीका होता है एक सफल इन्वेस्टमेंट का। अगर आप इसको धीरे धीरे करेंगे और इसमें अपनी क्वेरीज मुझे देंगे तो शायद आपका ये सीखने का और मेरे सिखाने का एक उद्देश्य जो शेयर मार्केट को है ये सफल हो पाएगा। तो अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।